हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चैनल एलाइंस टुडे वी आर गोइंग टू डेली करेंट अफेयर सेशन इन विच वी विल कवर इम्पॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर पीआईबी एंड आज गवर्मेंट सोर्सेज सो लेट्स बिगिन आवर सेशन आवर फर्स्ट टॉपिक इज बेंगलुरु फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी अम्बर ऑफ कल्चर फोरम तो बेगलुरु जो है वो आपका पहला इंडियन सिटी बन गया है जो की मेम्बर है कल्चर फोरम का जानेंगे हम इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है बेंगलुरु एज बिकम दर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन दी वर्ल्ड सिटी ऑफ कल्चर फोरम एंड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन टू थाउजेंड ट्वेल्व बाई दिस मेयर ऑफ लंडन बेंगलुरु जो है वो पहला इंडियन सिटी बन गया है जिसने ज्वाइन किया है वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम को जो की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड किया गया था टू थाउजेंड ट्वेल्व में जो ऑफिस ऑफ मेयर ऑफ लंडन है उनके द्वारा जो फोर्टी मेंबर सिटी पहले से इस पोर्टफोलियो में है बेंगलुरु जो है वो फोर्टी फर्स्ट मेंबर बन गया इस फोरम पे जो सिटी का इंक्लूजन हुआ है वो एट्रीब्यूटेड है इसके डेडिकेशन को देखते हुए इंक्लूसिव और ग्लोबलाइज कल्चर को जो आपका वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम है इसने कोलेबरेट किया है अनबॉक्सिंग बीएलआर फाउंडेशन के साथ और मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज करेंगे सिटी फेस्टिवल को जो फैसिलिटेट करेगा एक्सचेंज को कल्चर लर्निंग का जो कि बात है फोरम के ग्लोबल आउटरीच का बेंगलुरु इज सीन एज ए माइक्रो ऑफ द न्यू एस्पिरेशनल इंडिया सो कािंग ए वाइब्रेंट डिजाइन एंड थिएटर कम्युनिटी न्यूमरस म्यूजियम एंड कॉस्मोपोलिटन फूड कल्चर विच विल बी हाईलाइटेड एंड स्ट्रक्चरली प्रेजेंटेड थ्रू दी डब्ल्यू सीसीएफ प्लेटफॉर्म अब बेंगलुरु को देखा जा रहा है जो माइक्रोक्रोज में आपका न्यू एक्सप्रेशनल इंडिया के रूप में ये दर्शा रहा है एक वाइब्रेंट डिजाइन और थियेटर कॉम्युनिटी को जहाँ पे न्यूमरस म्यूजियम कॉस्मापोलिटन फूड कल्चर है ये सब हाईलाइट करते है और स्ट्रक्चरली प्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू सी सी एफ प्लेटफॉर्म को नेक्स्ट टॉपिक हमारा बाइकुला रेलवे स्टेशन ये रेलवे स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बायकुलला रेलवे स्टेशन मुंबई महाराष्ट्र का है दी 69 सिक्सटी नाइन ईर ओल्ड बायकुला रेलवे स्टेशन इन मुंबई विच हज बिन रिस्टोर टू इट ओरिजिनल ग्लोरी रिसीव द प्रेस्टिजियस यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड तो कौन सा अवार्ड मिला कि का इम्पोर्टेंट हो जाता है तो जो आपका ये 169 सिक्सटी नाइन ईयर ओल्ड बाइकुला रेलवे स्टेशन है मुंबई महाराष्ट्र का जिसको कि रिस्टोर किया गया इसके ओरिजिनल ग्लोरी के रूप में उसको प्रेस्टिजियस यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड मिला है बाइकुला रेलवे स्टेशन इज वन ऑफ दी ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया स्टिल इन यूज एडिशनली दिस छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय स्टेपवेल ऑफ गोलकंडा हैदराबाद एंड डोमाकोंडा फोर्ट तेलंगाना ऑल्सो वन दी हाइएस्ट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन डिफरेंट कैटेगरी तो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में अलग अलग कैटेगरी में किस किस को मिला वो किस स्टेट को बिलोंग करता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ये पॉइंट आपको मेमोराइज होना चाहिए जो माइकुलला रेलवे स्टेशन है ये वन ऑफ दी ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है भारत का जो कि अभी भी यूज हो रहा है साथ साथ जो आपका छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है स्टेप वेल्स ऑफ गोलकोंडा हैदराबाद है का और जो डोमाकोडा फोर्ट है तेलंगाना का इसको भी मिला है हाईएस्ट अवार्ड एक्सीलेंस को लेके यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2022 का अलग अलग कैटेगरी पे द फर्स्ट ट्रेन वर्ज रन बाय ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे नाउ सेंट्रल रेलवे बिटवीन बोरी बंदर नाउ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एंड थाने और डिस्टेंस ऑफ थर्टी किलोमीटर ट्वेंटी माइल्स ऑन सिक्सटीन अप्रील एटीन और जो पहला ट्रेन था उसको रन किया गया था ग्रेट इंडियन पेनेंसुलर रेलवे या जो आपका सेंट्रल रेलवे है उसके बीच में बोरी बंडर जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से वहां से थाने तक के लिए जिसका डिस्टेंस 34 किलोमीटर का है कब सिक्सटीन तो अप्रैल 1853 को नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया ए आई तो हम जानेंगे पीआईबी जा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया ए आई इज एन इनिशिएटिव अंडर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन एंड मेटा इंडिया हैज एंड माउथ टू फर्स्टर कॉर्पोर इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो इंडिया ए है जैसा कि नाम बता रहा है ये इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन और मेटा इंडिया के बीच में जहाँ पे साइन किया गया एक मॉक को ताकि फोस्टर किया जा सके कॉलेबोरेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड पे और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड पे ये इंडिया ए है क्या इट इज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेशनल ई गवर्नेस डिजन एंड नेस्कोम इट इज नॉलेज पोर्टल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोसिस्टम बिल्डिंग इनिशिएटिव फोकस ऑन प्रिपेयरिंग द नेशन फॉर एन एआई ड्राइव इन फ्यूचर यह आपका एक ज्वाइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और नेस्कॉम के बीच में ये जो है एक नॉलेज पोर्टल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोसिस्टम बिल्डिंग इनिशिएटिव है जो कि फोकस कर रहा है प्रिपेयर करने पर नेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डाइवन फ्यूचर की ओर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है टू एस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर कॉपरेशन एंड टू मेक मेटा ओपन सोर्स एआई मॉडल एवलेबल फॉर यूज बाय द इंडियन एआई इको सिस्टम की स्टैब्लिश किया जाए एक फ्रेमवर्क को कॉपरेशन के लिए और मेटा ओपन सोर्स एआई मॉडल को एवेलेबल कराया जाए ताकि यूज किया जा सके इंडिया एआई इको सिस्टम के द्वारा यह एडवांस करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर साथ साथ ब्रेक ट्रोल आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन को लेकर establishing a सेंटर ऑफ excellence to नर्चर the स्टार्टअप ecosystem of ऑफ एआई एंड अदर technology. टेक्नोलॉजी ये मदद करेगा इस्टेब्लिश करने में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जो कि नर्चर करेगा स्टार्टअप इको सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए तैयार किया जाएगा डाटा सेट को इंडियन लैंग्वेज में ताकि इनेबल किया जा सके ट्रांसलेशन एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल को प्रायोरिटाइज किया जाएगा लो रिसोर्स लैंग्वेज को ताकि फोस्टर किया जा सके सोशल इन्क्लूजन को और इम्प्रूव किया जा सके गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी को इनहेंस एक्सेसिबिलिटी टू एआई कम्प्यूटर रिसोर्स फॉर रिसर्चर स्टार्टअप एंड ऑर्गेनाइजेशन विथ लिमिटेड रिसोर्सेज और बढ़ाया जाएगा जो एक्सेसिबिलिटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्प्यूटर रिसोर्स के माध्यम से रिसर्चर स्टार्टअप और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाचित ग्लेशियर इन लद्दाख ये ग्लेशियर कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तो जो आपका प्रकाशिक ग्लेशियर है लद्दाख का इसके बारे में हम जानेंगे अ न्यू स्टडी कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम दी वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी रिविल्स चेंजेस इन दी प्रकाशिक ग्लेशियर इन लद्दाख इंडिया एक जो नया स्टडी कंडक्ट किया गया था जो साइंटिस्ट आपके वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का उनके द्वारा रिविल किया गया है कि जो चेंजेस हो रहा है प्रकाशिक ग्लेशियर में लद्दाख के भारत में

फॉर्म ड्यू टू सब ग्लेशियर ओवर डिपनिंग और इसी सुलेशन के अनुसार जो ग्लेशियर अगर कंटिन्यू रिट्रीट करता है सिमिलर रेट से तो इस स्टडी में माना गया है कि जो तीन लेक है अलग अलग साइज के वो बन सकते हैं सब ग्लेशियर ओवर डिपनिंग के कारण देर आर टू मेन रीजन फॉर the rapid मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर दो मेन रीजन है जो रेपि मेल्टिंग हो रहा है ग्लेशियर के पीछे फर्स्ट इज global वार्मिंग एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन द रीजन सबसे पहला तो ग्लोबल वार्मिंग और जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर इस रीजन में इस कारण मेल्ट कर रहा है सेकेंड क्या है तो जो लोअर एल्टीट्यूड है और जो अदर ग्लेशियर है जंसकर रीजन का ये एक रीजन है ग्लेशियर के बारे में हम जान ले पराक्षिक ग्लेशियर इज ए माउंटेन ग्लेशियर इन कारगिल लद्दाख जो आपका पराक्षिक ग्लेशियर है ये माउंटेन ग्लेशियर है कारगिल लद्दाख में है इट इज अ मास ऑफ आइस मूविंग स्लोली डाउन दी नुनकुन स्लोप दिस आइस मास फॉल फाइनली इन टू दूरू रिवर इट इज वन ऑफ दी लार्जेस्ट ग्लेशियर इन दी सुरू रिवर वैली कवरिंग एन एरिया ऑफ फिफ्टी स्क्वायर किलोमीटर एंड फोर्टीन किलोमीटर लॉन्ग ये जो मास है आपका आइस मूव कर रहा है स्लोली नुनकुन स्लोप की ओर ये जो आइस मास है ये फॉल करता है फाइनली सुरू रिवर पे जो कि वन ऑफ दी लार्जेस्ट ग्लेशियर है सुरू रिवर वैली का ये कवर करता है एरिया 53 स्क्वायर किलोमीटर का और ये 14 किलोमीटर लॉन्ग है सुरू रिवर वैली इज अ पार्ट ऑफ साउथर्न जंसकर रेंज इन दी वेस्टर्न हिमालय और जो सुरू रिवर वैली आपका वो पार्ट है साउथकर रेंज वेस्टर्न हिमालय का नेक्स्ट टॉपिक हमारा गल्फ स्ट्रीम जानेंगे हम गल्फ स्ट्रीम के बारे में पहले भी इस टॉपिक हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है और ये जोग्राफी का मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंटिस्ट स्टडी एट रेस कॉन्सेंडेट गल्फ स्ट्रीम सिस्टम नॉन एट एटलांटिक मैरिटोनियल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन ई एमओसी कुटकैलेप्स एट अर्लिए फाइव जो एक साइंटिफिक स्टडी है उसने चिंता रेज किया है गल्फ स्ट्रीम सिस्टम को लेकर जिसको कि हम अटलांटिक मैरिटोनियल ओवर टर्निंग सर्कुलशन एएमओसी के नाम से भी जानते हैं कि ये कोलेप्स कर सकता है एज अर्स टू थाउजेंड तक भी दी एएमओसी ड्राइव दी अटलांटिकेंज एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग यूरोप वेदर इफ इट वेयर टू कॉलेप इट कुड लीड टू लोअर टेम्परेचर एंड कैसोट्रोफिक क्लाइमेट इम्पैक्ट जो एएमओसी है यह ड्राइव करता है एटलांटिक करंट को और इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है डिटरमाइन करने में यूरोप में वेदर को अगर यह कॉलेप्स कर जाता है तो इसके कारण लोअर टेम्परेचर हो जाएगा और कैटोस्ट्रॉफिक क्लाइमेट इम्पेक्ट इसका पड़ेगा द इंटरगोर्मेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज मोस्ट रिसेंट एसेमेंट सजेस्ट दॉलेप्स ऑफ ए एमओसी मे नॉट हेपन एज क्विकली एज द स्टडी प्रपोज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम मेक इट डिफिकल्ट टू हैव सर्टेनिटी अबाउट द एग्जैक्ट टाइमिंग एंड ऑफ सच एल्स

ओशियनिक करेंट है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन पे ये ओरिजिनेट करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास और फ्लो करता है नॉर्थ ईस्ट वर्ड अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट उसके बाद ये अक्रॉस अटलांटिक टूवर्ड यूरोप मूव करता है ये प्ले करता है एक सिग्निफिकेंट रोल को रेगुलेट करने में क्लाइमेट को ट्रांसपोर्ट करके वार्म वाटर और हीट को ट्रॉपिक से हायर लेटिट्यूड की ओर और, और इन्फ्लुएंस करता है वेदर पैटर्न को और टेम्परेचर को कोस्टल रीजन के लिए एएमओसी के बारे में भी हम जान लें इट इज अ लार्ज सिस्टम ऑफ ओशियन करेंट जो एम ओसी है ये आपका एक लार्ज सिस्टम है ओशियन करेंट का ये जो है आपका एटलांटिक ब्रांच ऑफ ओशियन कन्वेयर बेल्ट और थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट हिट एंड न्यूट्रिय वर्ल्ड ओशियन बेसिन एएमओसी कैरी करता वार्म सर्फेस वाटर को ट्रॉपिक्स है नॉर्थन एटमोस्फियर की ओर जहाँ पर ये कुल करते हैं और फिर सिंक हो जाते हैं अगर ये रिटर्न कर जाएंगे ट्रॉपिक पे तो जो साउथ एटलांटिक है बॉटम करंट का वहां से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे ओशियन वेसिन में एटलांटिक सर्कम पोलर करंट के माध्यम से जो आपका एटलांटिक सरकम पोलर करंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट करंट है साउथर्न ओशियन के लिए और ये इकलौता करंट है जो कि फ्लो करता है कम्पलीटली अराउंड द ग्लोब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको मेमोराइज होना चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एटलांटिक मोरिटोरियल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन है ये आपका कोल्ड डीप वाटर हो गया या वार्म सरफेस वाटर हो गया किस तरीके से ये मदद करते हैं अगर ये कॉलेब्स हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा हम लोगों ने अभी देखा ही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड तो हम जानेंगे सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के बारे में पीआईबी आईबी क्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस फिफ्टी थाउजेंड करोड़ इक्विटी इन फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस थ्रू दी फंड ऑफ फंड दिस इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग टू वाएबल एंड प्रोमिसिंग एमएसएमई टू हेल्प डेम ग्रो एण्ड बिकम लार्जर यूनिट जो पात है आत्मनिर्भर भारत पैकेज का उसी के अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फिफ्टी थाउजेंड करोड़ का इक्विटी इन फ्यूजन को माइक्रोस्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए फंड ऑफ फंड के माध्यम से यह जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है कि प्रोवाइड किया जाए इक्विटी फंडिंग को वायेबल एण्ड प्रोमिसिंग एमएसएमई के लिए ताकि उनको मदद मिल सके ग्रो करने में और लार्जर यूनिट बनने में द सेल्फ रिलायंस इंडिया फंड एसआरआई फंड बीन स्टेब्लिश टू इंप्लीमेंट दिस प्लान विद रुपीज टेन करोड़ कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रुपीज फोर्टी करोड़ फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड जो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड है एसआरआई फंड इसको इस्टैब्लिश किया गया और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस प्लान के लिए जिसके लिए रूपीज टेन थाउजेंड करोड़ कंट्रीब्यूट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और जो फोर्टी थाउजेंड करोड़ होगा वो प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल फंड होगा एसआरआई फंड जो है वो ऑपरेट करेंगे मदर फंड एंड डाउटर फंड स्ट्रक्चर के रूप में इक्विटी और क्वासी इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए जो एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड है उसको रजिस्टर किया गया है मदर फंड के तौर पर एसआरआई फंड इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है कि जो अदर इनिशिएटिव है जो कि सपोर्ट करेंगे एमएसएमई सेक्टर को जिसमें कि लॉन्च किया गया है चैंपियन 2.0 पोर्टल को एमएसएमई चैंपियनशिप स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस बजटरी सपोर्ट टू क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज रेजिंग एंड एक्सेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैम्प प्रोग्राम जिसका मकसद है एक्स्ट्रेंशन करना एमएसएमई के एक्सेस को क्रेडिट और मार्केट के लिए और प्रमोट करना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ पीडीआर जिसको हम लाओस के नाम से भी जानते हैं इसके रिलेटेड मैप बेस्ट क्वेश्चन भी आ सकता है तो मैप को भी देखेंगे अभी हाल ही में जो तीसरा राउंड फॉरेन ऑफिशियल कंसल्टेशन हुआ था उसमें पांच मौको साइन किया गया इंडिया और लाओस के बीच में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट को लेते हुए कौन कौन से टॉपिक में साइन किया गया मौको एजुकेशन हेल्थ वोटर फर्सिलिटी आईटी और क्विप इम्पैक्ट प्रोजेक्ट दोनों कंट्रीज जो है उनका डीप रिलीजियस और पीपल टू पिप कनेक्शन है ये जो है मदद कर रहा है एक्सेलेंट पॉलिटिकल रिलेशन को बनाने में भी क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट और स्मॉल स्केल इनिशिएटिव और प्रोग्राम देट आर डिजाइन टू डिलीवर टेंजिबल एंड इमीडिएट बेनिफिट स्पेसिफिक कम्युनिटीज और एरिया दी प्रोजेक्ट एम्स टू एड्रेस प्रेसिंग नीड प्रोवाइड एसिस्टेंस और क्रिएट पॉजिटिव चेंजेस क्विकली एंड एफिशियंटली और जो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट है ये स्मॉल स्केल इनिशिएटिव या प्रोग्राम है जिसको डिजाइन किया गया डिलीवर करने के लिए टेंजिबल और इमीडिएट बेनिफिट को स्पेसिफिक कम्युनिटी या एरियाज के लिए ये जो प्रोजेक्ट है इसका मकसद है एड्रेस करना प्रेसिंग नीड को और प्रोवाइड करना असिस्टेंस को और क्रिएट करना पॉजिटिव चेंजेस को क्विकली और एफिशियंटली Laos is a Southeast Asian country, travels by the Mekong River and is known for its mountainous terrain, French colonial architecture, hill tribe settlement, and Buddhist monastery. और जो लाहौस है ये आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो कि ट्रेवल्स करता है मैकोंग रिवर और ये जाना जाता है इसके माउंटेनियस तेरन के कारण फ्रेंच कॉलोनियन आर्किटेक्चर हिल ट्राइप सेटलमेंट एंड बुद्धिस्ट मॉनिस्ट्री के कारण आप देख सकते हैं इसके लोकेशन को तो कौन कौन से कंट्री जो है वो बाउंड्रीज के साथ सेटल कर रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है लाउस हो गया वियतनाम हो गया थाईलैंड हो गया कम्बोडिया हो गया म्यांमार हो गया डेट ऑल फॉर डेली करेंट अफेयर सेशन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें these are our social media links from here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback thank you and have a nice day